गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सोचते होंगे कि ये ढेर सारी टिप्स जो आपको आती हैं, कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। जो अच्छी लगे दिन में दो या तीन टिप्स जरूर करें। आपको करने के इमीडिएटली बाद महसूस होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा फील करें तो इसको रिपीट करें। आज आपको क्या क्या बता रही हूँ जो आपको करना है, ये सुनते हैं। ऑफिस में बॉस से नहीं बनती या दुश्मनों से दुखी हैं, तो पीपल के पेड़ के अचूक रेमेडीज आपको बताऊंगी जो परेशानियों को दूर करेंगे। घर में बेबी नहीं हो रहा या मनचाहा प्यार आपसे दूर जा रहा है, तो फेंगशुई की खास टिप्स बताऊंगी। बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने वाली सिंपल टिप्स कर रही हैं आपका इंतजार। सिंपल चीजों से आप बन सकते हैं क्लियोपेट्रा जैसे खूबसूरत। अपने कल को अपने हाथ में करें और बदलने की ताकत रखें। आज मैं आपको फेंगशुई की दो स्पेशल टिप्स बताऊंगी। एक, अगर आपकी जिंदगी में बेबी नहीं आ रहा, खुशियां नहीं आ रही, और दूसरा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे आपका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, दोस्ती क्यों ना हो, और वो आपसे दूर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। पर इससे पहले बात करते हैं पीपल के पेड़ की उन रेमेडीज की जिनके बारे में ना तो आपको आज तक पता है और ना आपने सुना है। लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर मैंने कभी ऐसी किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुना जिसका इलाज ना हो, जिसका सोल्यूशन ना हो। तो चलिए, बॉस से नहीं बनती है या आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, पर मैंने कभी ऐसी किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुना जिसका इलाज ना हो, जिसका सोल्यूशन ना हो। तो चलिए, बॉस से नहीं बनती है या आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में आपके दुश्मन हैं, तो चलिए इनका इलाज करते हैं। एनिमीज से बचने के लिए सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी करने के लिए किसी अच्छे दिन मंदिर में पीपल का पौधा लगाएं और रोज उस पर जल चढ़ाएं। काम करते हैं मगर सक्सेसफुल नहीं होता, पूरा नहीं होता, कोई बात नहीं, पीपल के पेड़ के सामने मिट्टी में एक बड़े लोहे की कील गाड़ दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्रार्थना करें कि आपको काम में सक्सेस मिले। अगर लोअर बॉडी में, हाथ पैरों में, कमर में दर्द रहता है, बेसिकली जॉइंट पेन या बॉडी में खिंचावट रहती है, तो आप काले रंग के कपड़े में पीपल के पेड़ की जड़ और लकड़ी को रखकर बांध दें, इसे अपने बेड के पास रख दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ में रोज पीपल के पेड़ को जल भी चढ़ाना है। अगर आपके काम में रेगुलर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, मतलब एक के बाद एक फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, तो सैटरडे को पीपल के पत्ते पर ओम लिखकर उस पत्ते को पीपल के पेड़ की लकड़ी के साथ फाइनेंशियल, जहां पर आप गेन्स की जगह है, मतलब जो तिजोरी है, वहां पर रख दीजिए। ऐसा 8 सैटरडेज आपको करना है, नए पत्ते के साथ करें। अगर आपको इस चीज से रिलीफ ना मिले या थोड़ा रिलीफ मिले, तो इसको 16 कर ले, आपका काम 100% बनेगा। कर्म करने से सब कुछ बदलता है, तो फिर आपका कल कैसे नहीं बदलेगा। आपको बताऊंगी कल कैसे सुधारना है अपनी राशि के हिसाब से। पर उससे पहले फेंगशुई और जादुई टिप्स की बात। फेंगशुई इंस्टेंट रिजल्ट देता है क्योंकि आपके आसपास की स्पेस पर काम करता है। अब अगर आप किसी को चाहते हैं, देखिए शाहरुख सलमान के बारे में ना सोचें, प्रैक्टिकलिटी से अगर किसी को चाहते हैं और वो आपसे दूर जा रहे हैं या किसी से पहले क्लोज रिलेशनशिप था, आप दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पर रेड इंक वाले पेन से जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, उसका नाम और उसकी क्वालिटीज लिखें, जो भी आपको क्वालिटीज पसंद है। फिर एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में इसको फोल्ड कर रख लें। इसके साथ 2 रेड फ्लावर्स की तस्वीरें भी फोल्ड कर रख दें। चांदी की डिब्बी ना हो तो चांदी की कटोरी भी ले सकते हैं। इस कटोरी या डिब्बी को 49 डेज तक अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में रखें। आपके लवर, आप जिसे प्यार करते हैं, उसके साथ मिलने के चांसेस 99% तक बढ़ जाएंगे। अब अगर आपको बेबी नहीं हो रहा,
तो फेंग शुई की मदद लीजिए। बेड के नीचे से सारा क्लटर साफ कर दीजिए और उसके नीचे झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर अगर रखते हैं तो बंद कर दीजिए। आपकी कंसीविंग की क्षमता बढ़ जाएगी। और लकड़ी के दो हाथी लाएं जिनकी सूंड नीचे हो, उन्हें बेडरूम के दरवाजे के दोनों तरफ इस तरह रखें कि वो आपके कमरे की अंदर की तरफ आना चाह रहे हों। और एक काम करें, एक छोटे से बच्चे की तस्वीर या कोई स्टफ टॉय कमरे में वेस्ट डायरेक्शन में रख दें, आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी। आपकी राशि की बात, मेष राशि के लोग राइट हैंड में वॉच पहने, लेदर स्ट्रैप की पहनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आपका दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:47 PM। वृषभ राशि वाले लोग ब्लैक शूज ना पहने, अगर पहनना पड़े तो आप क्रीम या ब्लू कलर की सॉक्स पहने। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अच्छे कोई नई सिचुएशन को नई अपॉर्चुनिटी आएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:28 PM। मिथुन राशि के लोग एल्बोस के बीच में परफ्यूम लगाकर काम पर जाएंगे, आपकी विल पावर से आपको फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 6:44 PM। कैंसेरियंस कर्क राशि के लोग पर्स में पॉकेट में रेड हैंडकरचीफ रखें लेफ्ट साइड पर, आप राई भी एक छोटी सी लाल पोटली में डालकर रख सकते हैं, आपको गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:48 PM। बारिश का मौसम है, बीमारियां फैलती हैं, क्या हम घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये बीमारियां हमारे घर ना आए? बिल्कुल कर सकते हैं, बताऊंगी क्या करना है। इससे पहले मोबाइल की बात, आपका मोबाइल नंबर आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, तो चलिए आज हम नंबर वन की बात करते हैं। अपने मोबाइल नंबर को ऐड करें जैसे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं, और अगर उसका टोटल 1 आता है तो आप इस बात को समझें कि जिनका नंबर 1 आता है वो हर बात को स्ट्रांगली कहते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। ये नंबर है कम्युनिकेशन बढ़ाने का, ये नंबर है उम्मीद और उम्मीद की एक्साइटमेंट को कायम रखने का। अब जानते हैं आपके मोबाइल नंबर में एक नंबर कितनी बार आता है, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है। मैं गिन रही हूँ मैं कितनी बार आता है, आप भी गिन लीजिए। अगर आपके मोबाइल में नंबर 1 एक बार ही आता है तो ये पॉजिटिव बात है, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों को सिंबलाइज करता है। कम बोलने वाले लोग होते हैं पर जब भी बोलते हैं जरूरत पड़ने पर तो सोच समझ कर बोलते हैं और हर काम को पॉजिटिवली करते हैं। कुछ नेगेटिव है, खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर 1 एक बार आता है। पर अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर 1 दो बार आता है तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखने वाले होते हैं, अच्छे लिसनर्स होते हैं। कुछ नेगेटिव भी है, लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते, थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है। अगर आपका मोबाइल नंबर में नंबर 1 3 बारी आता है, फटाफट चेक कीजिए, तो आप खुलकर काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस या जॉब में ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं। नेगेटिव ये है कि आप बहुत ज्यादा बातूनी हैं। मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो अपने मोबाइल नंबर को चेंज करिए, नंबर 1 को 1, 2, 3 3 टाइम बार ऐड कीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जिसमें 111 हो। आपकी सक्सेस का ग्राफ बढ़ जाएगा सिर्फ 2 महीने के अंदर। और कहीं आपके मोबाइल नंबर में नंबर 1 4 बार आता है, इसका क्या मतलब है? ऐसा होने पर आप बहुत एम्बिशियस हैं। नेगेटिव ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं कि लोग इस बात से झिझकने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देते हैं, रिलेशनशिप निभाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब अगर नंबर 1 आपके नंबर में है ही नहीं तो आप दूसरों को ठीक से समझ नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझा नहीं पाते, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, दूसरों पर डिपेंड करने की टेंडेंसी भी हो सकती है। प्लीज नंबर 1 को ऐड करें अपने मोबाइल में।
फिर से चार राशियों की बात करेंगे, आपके दिन को बेटर बनाएंगे। पर इससे पहले ये जो सीजन है, ये जो मक्खी मच्छर हैं, इनकी वजह से बीमारियों जो हमारे घर में आती है, बीमारियां डिजीजेस आते हैं, इसको दूर करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, बताती हूँ क्या। सबसे पहले तो डेंगू बुखार जो है वो एडीज मच्छर से फैलता है, तो डेंगू से बचने के लिए पानी खट्टा ना होने दें। और क्या अगर किसी को भगवान ना करे हो जाए तो क्या करें? पपीते के पत्तों का जूस बनाकर पिएं, इससे खून के प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो बढ़ता है। वायरल इन्फेक्शन हो जाए, इस मौसम में हो ही जाता है, तो क्या करें? तो आपको थकान होगी, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में दर्द होगा, नोज जो है रेगुलर स्नीज करेगा, आंखें आपकी रेड कलर की हो जाएगी, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाएंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स हो, इससे बचने के लिए ये काम करें। वार्म वाटर में नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार गरारे करें, थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें, और तुलसी के 5-6 लीव्स का जूस निकालकर आधा चम्मच अदरक के जूस के साथ 1 चम्मच शहद में मिलाकर पिएं, और चाय में 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पिएं। पानी में थोड़े से नीम के पत्ते उबाल लें, पानी को ठंडा होने के बाद इस पानी से नहाएं। ऐसा करने पर भी आपको वायरल इन्फेक्शन से जल्दी छुटकारा मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जरा शीशे के सामने जाइए और देखिए कि आपके बालों की डायरेक्शन कहाँ है, आप किस साइड से पार्टीशन लेते हैं, लेफ्ट राइट क्या करते हैं, यह आपके बारे में बहुत कुछ बताता है और दूसरों के बारे में भी। बताऊंगी इस बारे में, पर पहले चार राशियों की बात। लियोज सिंह राशि के लोग मिश्री खाकर घर से निकलें, आपका मूड अच्छा रहेगा, कोई गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोज घर से बाहर जाने से पहले मीठा खाएं, ये मीठा जो है आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। अपने राइट हैंड में मीठा रखकर लेकर जाएं और उसको चींटियों के लिए डाल दें, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:49 PM। लिब्रंस तुला राशि के लोग पानी में गुलाब की एक पंखड़ी डालें, उससे नहाएं और जाने से पहले, काम पे जाने से पहले पानी में गुलाब की पंखड़ी डाल के पानी पी लें, रोज पेटल साथ में ले जाएं, दिन भर आप पॉजिटिव रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:38 PM। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं, लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:50 PM। जब आप में नेगेटिव एनर्जी होती है तो ऐसे लगता है कि बॉडी में ताकत ही नहीं है, कहीं कुछ लीक हो रहा है, जैसे कुछ लीकेज होती है, ऐसे टप 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 आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। चलिए इस एनर्जी को बरकरार रखने का, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का आपको एक खास मंत्र बताती हूँ। पर इससे पहले आपके बाल, आपकी पार्टिंग क्या बताती है, मेरी पार्टिंग क्या बताती है ये बताती हूँ। जो लोग लेफ्ट में बालों की पार्टिंग करते हैं उनके बारे में आप क्या जान सकते हैं? ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पर कभी कभी थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लोगों का परसेप्शन आपके बारे में होगा कि आप अलूफ टाइप हैं, लेकिन अगर ये आपको सूट करता है, अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग हैं जो राइट पार्टिंग करते हैं, राइट तरफ बाल गिरते हैं, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, केयरिंग और इंट्यूटिव भी होते हैं। लोग आपको इंडिपेंडेंट और यूनिक मानते हैं। आप अपने बालों की पार्टिंग चेंज करें, जो क्वालिटीज चाहते हैं वो लाएं। कुछ लोग सेंटर पार्टिंग करते हैं, बीच से बाल निकलते हैं, ऐसे लोग काम, इजी गोइंग, चार्मिंग, आसानी से बात मानने वाले होते हैं, लोग आपके चार्म से खुश रहते हैं। कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं, पार्टिंग ही नहीं होती, ऐसे लोग केयरफ्री और रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन लोग आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं जो एसर्टिव नहीं है, मतलब अपनी बात को पक्का पक्का नहीं कर पाते।
कुछ लोग रैंडम पार्टिंग करते हैं, यानी कि जैसे मन किया इधर रख लिए उधर रख लिए, मांग निकाली नहीं निकाली। ऐसे लोग एक्सपेरिमेंटल और बोल्ड होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। लोग आपको अनप्रिडिक्टेबल समझते हैं। जो क्वालिटी अपने में लाना चाहते हैं ना, वैसी पार्टिंग बना लीजिए। आपको बताऊंगी आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स, पर इससे पहले पॉजिटिव रहने का मंत्र जानिए। अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए खुद से कहिए, बार बार कहिए, आई यूज माई एनर्जी टू लिव माई लाइफ फुलेस्ट। मैं अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता या करती हूँ अपनी जिंदगी पूरी और अच्छी तरह जीने के लिए। इस मंत्र को सुबह शाम बार बार खाने के साथ साथ दोहराएं। खाने के साथ आप जिस भी मंत्र को बोलते हैं आपके ब्लड में चला जाता है, वो चीज इंस्टेंट आप पर आ जाती है। प्लीज इसे दोहराएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बुखार को बाहर फेंकेंगे, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लास्ट की चार राशियों की बात आपसे फिर से करूंगी, पर उससे पहले आपको आज चमकाते हैं। अपने चेहरे को चमकाने के लिए आप मेल हो या फीमेल, बच्चे ही क्यों ना हो, ये काम कर सकते हैं। स्किन पर अगर आप रेगुलर हनी लगाते हैं तो दाग धब्बे कम होने लगते हैं, साथ ही स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज होती है। और अगर आप सीजनल फ्रूट्स जैसे बनाना, ऑरेंज, पपीता, आम, इनको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आप वेदर के साथ साथ, जैसे फल सब्जियां उगते हैं वेदर के साथ साथ आपकी स्किन अडेप्टिव होती है। और टमाटो की जूस में अगर आप हनी मिलाकर लगाते हैं, चेहरे पर फेस पर मसाज करते हैं तो आपकी स्किन चमकने लगती है। बीमारी छोटी हो या बड़ी, उसे बचाने के लिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। कैसे काम करती है ये टेक्निक आपको बताऊंगी, पर पहले चार राशियों की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, घर में कपूर जलाएं, घर में कला कलेश खत्म होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 6:29 AM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, घर से राइट पैर पहले निकालें और पैर निकालते ही अपने लेफ्ट पैर को टेढ़ा डायगोनल रख लीजिए, आपका हर काम बनेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई करेंगे तो आप दिन भर नेगेटिव फील करेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12:30 PM। मीन राशि के लोग पाइसेंस, पॉकेट में लौंग रखें, 9, 11 या 7 लौंग रखें, और वापस आते समय लौंग को किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान या किसी भी पार्क के बाहर छोड़ दीजिए, सारी मुसीबतें खत्म होंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 6:30 AM। आपको बताऊंगी डिजीजेस से कैसे बचा जा सकता है, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, पर इससे पहले वो तरीका बताती हूँ जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे बात करें, तो मेरी ईमेल आईडी को याद कर लें, familyguru@itvnetwork.com। बस प्रॉब्लम्स लिखकर 150 वर्ड्स के अंदर भेज दीजिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ पूरी, डेट टाइम प्लेस के साथ भेजे, या चेहरा हाथ हैंड राइटिंग की फोटो भेजे। बिहार से जितेंद्र का सवाल लेते हैं, जो अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटा जिद्दी है, बात नहीं मानता, गुस्सा करता है, लड़ता है, आजकल बच्चों का यही हाल है। पर खैर, हमारे पास तो हर चीज का सलूशन है, आपको सलूशन देते हैं। बच्चे के पिलो कवर के अंदर 4 मोर पंख लग दीजिए, 2 मोर पंख बैग के अंदर डाल दीजिए और 2 स्टडी टेबल के नीचे चिपका दीजिए। अपने बेटे को जैसे भी कन्विंस कर रोज बोलिए सूरज को जल देना है और उसमें कुछ दाने जौ के डाल देने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑरा का महत्व क्या है और किसी भी बीमारी जैसे बुखार वगैरह इन सब से बचने के लिए आप क्या करें। कोई भी बीमारी जब आपकी बॉडी में आती है, आपकी हेल्थ को बॉदर करती है, तो आपके ऑरा में
तीन से छह महीने पहले आ जाती है। जो लोग ऑरा स्कैन करते हैं, ऑरा देख पाते हैं, वो आपको छह महीने पहले बता देंगे कि ये बॉडी का पार्ट खराब होने वाला है, ये बीमारी आने वाली है। यानी कि कोई चीज जब तक हमें इफेक्ट करती है, हमारे आसपास आ जाती है। अपने ऑरा को रोज स्ट्रांग करें। ऑरा को स्ट्रांग कर सकते हैं प्राणायाम कर, अपनी सांस पर कंट्रोल कर, या फिर आप इस तरीके के अपने फेवरेबल मेटल्स पहने कि नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। जानते हैं कल हम क्या बात करेंगे? कल हम बात करेंगे तुलसी और उससे जुड़ी ढेर सारी मैजिकल रेमेडीज। कल मैं आपको बताऊंगी घर में पैसा कैसे आएगा। आपको कल बताऊंगी कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और नीचे खाना खाते हैं अगर जमीन पर बैठकर तो इसके फायदे क्या हैं। ढेर सारी बातें हम कल करेंगे। आपका भविष्य सुधारेंगे, आप खुद सुधारेंगे। बस जो बोलती हूँ वो किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। कल इसी वक्त मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।